वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सीखने वाले हैं कि फ्रेंड्स हम अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल का लिंक या फ्रेंड्स कोई वीडियो का लिंक या फ्रेंड्स किसी भी सोशल मीडिया का फ्रेंड्स लिंक हम कैसे शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यही सीखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से अपने चैनल का लिंक फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शेयर किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इस एरो के माध्यम से फ्रेंड्स ये बता देता है कि यहाँ पे मेरा जो चैनल का लिंक है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है, विजिट लिंक। इस पर फ्रेंड्स अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फ्रेंड्स आपको डिटेक्ट कर देगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स इसने हमारा यूट्यूब चैनल को डिटेक्ट करके फ्रेंड्स ये हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको भेज दिया है। पर देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल के फ्रेंड्स यहाँ पर लिंक, यहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि आप भी फ्रेंड्स इसी तरह से कैसे अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे कोई भी सोशल मीडिया फ्रेंड्स या किसी भी वीडियोस का लिंक यहाँ पे आप कैसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फ्रेंड्स अपना इंस्टाग्राम ऐप को ऑन करना है। फ्रेंड्स ऐप को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको स्लाइड में फ्रेंड्स स्क्रॉल करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपने गैलरी से कोई भी फोटो को ले लेना है। फ्रेंड्स आप कोई भी फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स हम इस फोटो को ले लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इस फोटो को ले लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे फ्रेंड्स क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पहला वाला जो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है ड्रो वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स आपको कोई भी कलर नीचे की तरफ मिल जाएगा, यहाँ से कोई भी कलर आप ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से व्हाइट को सिलेक्ट करते हैं और इस पर फ्रेंड्स आपको होल्ड क्लिक करके छोड़ देना है। यहाँ पर इस तरह से कर देने के बाद यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको इसको टिक कर देना है। फ्रेंड्स टिक कर देने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डबल ए का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपने चैनल के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूट्यूब। फ्रेंड्स इस तरह से लिख देने के बाद आपको सिंपली इस टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट करके यहाँ पे लगा देना है। लगा देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्रेंड्स लिंक। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिंक सर्च कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना यूट्यूब चैनल या फ्रेंड्स कोई भी सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पे को देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से हम अपना यूट्यूब चैनल को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं अपने लिंक को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने यूट्यूब खोल लिया, उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे अपना चैनल का नाम। फ्रेंड्स चैनल का नाम सर्च कर देने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पर हम आएँगे और इसको यहाँ से हम इसको फ्रेंड्स सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डॉन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स डॉन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे यूट्यूब का जो लिंक है यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर से इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे फ्रेंड्स आपने पहले किया था। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सर्च करना है यूट्यूब। यूट्यूब फ्रेंड्स सर्च कर देने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत सारा इमोजी मिल जाएगा यूट्यूब का, तो यहाँ पर आप कोई भी यूट्यूब का जो इमोजी है ले सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम इस वाले इमोजी को लेते हैं और इसका जो साइज़ है फ्रेंड्स यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फिर से इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सर्च करना है एरो। फ्रेंड्स आपको अच्छे से यहाँ पर एरो सर्च कर देना है। एरो सर्च करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत सारा एरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इस वाले एरो को ले लेते हैं। इस तरह से ले लेने के बाद फ्रेंड्स इसका जो साइज़ है आपको इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने इसका जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और भी चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पे कोई भी और भी फ्रेंड्स यहाँ पे हम लगा देते हैं इमोजी टाइप पे। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस वाले इमोजी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। लगा देने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर योर स्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कुछ देर वेट होंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो स्टोरी है देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स वेट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्टोरी है वो लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमको फिर से डिटेक्ट कर देगा हमारा यूट्यूब चैनल पर। जिस भी चीज़ का फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिंक लगाएंगे उस वहीं पर आपको ये डिटेक्ट कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर दिया है। हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से वो डिटेक्ट कर दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कोई भी सोशल मीडिया का फ्रेंड्स जो लिंक है वो कैसे शेयर कर सकते हैं।
अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।